अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे पीछे मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स, और हमने देखा कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और कौन सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक ट्री की इंटरप्रिटेशन वगैरह हमने आपसे डिस्कस की टू बिल्ड अ बैकग्राउंड। दूसरा, हमने देखा कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम ट्री ऑफ लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। उसमें से कुछ सोर्सेस मॉर्फोलॉजिकल डेटा, यानी जो हमें फॉसिल्स से मिलता है, कुछ बायोकेमिकल डेटा पे हमें चीज़ें मिलती हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि देर आर डिफरेंट बायोकेमिकल वेज जिससे हम डेटा लेते हैं और फिर उस डेटा की बुनियाद पर हम ट्री बिल्ड करते हैं। तो रिसेंटली आपको बताया कि जो जीनोम सिक्वेंसिंग और डिफरेंट किस्म के डी एन ए सिक्वेंसिंग टेक्निक्स आ गई, जो रोबस्ट हो गई और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं रहीं, और फॉर मैनी रीजन्स वो ज़्यादा यूज़फुल भी हैं एज़ कम्पेयर टू द बायोकेमिकल्स और फॉसिल रिकॉर्ड्स। हमने पीछे डिस्कस किया था हर बायोकेमिकल मेथड के साथ कि ये टीडियस है और लंबा चौड़ा है और इस आसान नहीं है, मुश्किल है। तो जब मुश्किल चीज़ होती है तो फिर दूसरा, फॉसिल्स की जैसे हमने बात की थी कि वो लिमिटेड होते हैं और हमारे पास इतना डेटा ही नहीं है फॉसिल्स का कि हम ट्री ऑफ लाइफ बना सकें, यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ बना सकें। दूसरी एक बात मैं पीछे बार बार करता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन जीन्स को हमने चूज़ कर लिया हुआ है टू स्टडी दी फाइलोजेनेटिक्स। एक्चुअली आई मीन नॉट जस्ट एनी जीन, वी कैन नॉट पिक जस्ट एनी जीन टू कंस्ट्रक्ट दी फाइलोजेनेटिक ट्री। हमने बात की थी कि वो जीन्स स्पेशल होते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास वॉज आस्किंग मी क्वेश्चन के जीन्स के अंदर ये होता है, इंट्रॉन्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, फलां होता है, तो कैसे हम करते हैं। तो ही शुड लिसन दिस सेक्शन स्पेशली वेरी केयरफुली, एंड सिमिलर स्टूडेंट्स अगर कुछ और जिनके माइंड में ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं तो उनको भी। तो सबसे पहला पॉइंट जिससे हम शुरू करना चाहते हैं कि नॉट जस्ट एनी जीन, वो जो जीन है उसकी कुछ खास बात होनी चाहिए। एक तो हम इस पर आज देखेंगे, तो उसमें से एक खास जो जीन है वो है राइबोसोमल आरएनए जीन्स। तो वो क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, ये हम आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले जो हमने पीछे पढ़ा है बैकग्राउंड का, हमने स्पीसिएशन का, हमने देखा कि किस तरह से स्पीसिएशन होती है। तो डार्विन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसने जो ऑब्जर्व की थी चीज़ें ड्यूरिंग हिज विजिट टू द वर्ल्ड, स्पेशली टू द गैलापागोस आइलैंड, तो वहाँ से उसने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो इन्फॉर्मेशन प्योरली ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे थी, कि वहाँ जो उसने ऑर्गेनिजम्स देखे, फॉर एग्जांपल ही कंपेयर्ड द फिंचेस विद ईच अदर, तो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर रहा था। इसी तरह जब उसने टॉर्टॉइस को कंपेयर किया या बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को उसने कंपेयर किया, तो कंपेयर जो उसका जो कंपेरिजन था वो सोलली वॉज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल डेटा, ओके। एंड ही वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन, कि उसने वो जो मॉर्फोलॉजिकल डेटा था उसकी बुनियाद पर ही जो कॉन्सेप्ट दिया स्पीसिएशन का, अगर हम उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें और मोलेक्युलर लेवल पे चले जाएं, उस वक्त देखें फिंचेस की जो बीक है या टॉर्टाइस का जो साइज़ है, डार्विन को किसी को भी बिल्कुल ये पता नहीं था कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है और यहाँ पर इसके कुछ जीन्स होते हैं। वो बाद में मेंडल ने डिस्कवर किए कि वो इंटेग्रल एलिमेंट्स होते हैं, इंटेग्रल फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली। उस वक्त भी जीन्स का नहीं पता था, जीन्स का पता तो 1953 के बाद पता चला है, तो उस वक्त बिल्कुल इसका आइडिया नहीं था। तो ही वॉज रियली एक्स्ट्रॉर्डनरी, हिज वर्क इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, हिज थ्योरी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन इज एक्स्ट्रॉर्डनरी, क्योंकि वो गलत नहीं हुई। लेकिन अभी हमने चूँकि इस वक्त हम, यानी अगर आप जो आप कह सकते हैं कि जो डार्विन था ही वॉज टू सम एक्सटेंट ही वॉज डूइंग फाइलोजेनेटिक्स, बट हिज वर्क वॉज बेस्ड ऑन ऑर्गेनिज्म लेवल, तो हिज वर्क वॉज नॉट मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स। तो मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो मॉर्फोलॉजिकल डेटा है आजकल हम उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि हमें पता चला कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको उनकी बज़ाहिर अपेयरेंस जो लुक है उसकी वजह से सिमिलर स्पीशी कंसिडर कर सकते हैं गलती से। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो चिंपैंजी, बोनोबोस और रेगुटांस और गोरिला और ह्यूमन का जो प्री मोलेक्युलर व्यू था, यानी जो मोलेक्युलर डेटा के एनालिसिस से पहले जो व्यू था, ट्री जो था फाइलोजेनेटिक हमारे माइंड में, वो डिफरेंट हुआ जब हमें पता चला, जब हमें मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक शुरू की तो हमें पता चला। तो दैट ट्री विच इज़ बेस्ड ऑन द मोलेक्युलर डेटा, आई मीन डेटा फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, बाय मॉलिक्यूल्स वी मीन डीएनए सीक्वेंस हियर और प्रोटीन सीक्वेंस, तो उसकी बुनियाद पर जो हमने ट्री बिल्ड किया वो ज़्यादा ऑथेंटिक था, ठीक है।
So here, I mean, this slide is meant to clarify your concept कि डार्विन वॉज डूइंग थिंग्स बेस्ड ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल डेटा, और हम भी करते हैं जब फॉसिल रिकॉर्ड को कंपेयर करते हैं तो देर इज नो प्रॉब्लम. बट टू फर्दर इनहेंस आर अंडरस्टैंडिंग, टू फर्दर डीपन आर नॉलेज, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दी मोलेक्यूलर डेटा जो हमारे पास अबंडेंटली अवेलेबल है एज कम्पेयर टू दी मॉर्फोलॉजिकल और फॉसिल रिकॉर्ड डेटा या बायोकेमिकल जो है उसकी निस्बत ये ज़्यादा है. तो जाहिर है अब हमने ईज़ को भी देखना है, और दूसरी चीज़ जो है जिसको हमने देखना है वो अथेंटिसिटी है, रिलायबिलिटी जो है, चूँकि जो हमारा कंक्लूजन है वो सही हो, वो गलत ना हो. ठीक है, ओके. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन दी मोलेक्युलर डेटा. एंड वाई? Because of the lackness, because of the several problems with the morphological and physical data, the जो मैंने पहले भी कहा, मैं अगेन आई एम सेइंग दिस कि जो मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल डेटा है वो वी लैक इट, वी डू नॉट हैव इट अबंडेंटली, वी डू नॉट हैव इनफ डेटा. जैसे फॉसिल रिकॉर्ड की हमने बात की कि बहुत सारा लॉस्ट है और बहुत सारा एक्सेस में नहीं है. एक एक तो प्रॉब्लम ये है, और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल जो अपीयरेंस का जो डाटा है वो इतना रिलायबल इसलिए नहीं है कि समटाइम्स इट कन्फ्यूजेज अस कि हम जो दो ऑर्गेनिज्म को एक स्पीशी या क्लोजली रिलेटेड समझ रहे होते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट. फॉर एग्जाम्पल जैसे विंग्स की अगर आप बात करें कि जिसके भी विंग्स हैं, भी तो ये दोनों परिंदे हैं. जैसे आप डॉल्फिन को मछली समझ सकते हैं, ठीक है ना. तो बहरहाल और भी, चूँकि जब हम डॉल्फिन को फिश के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चला कि इसके अंदर मैमल्स वाले कैरेक्टर हैं, तो वो सारे मॉर्फोलॉजिकल हैं. तो स्टिल इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू एंड आई मीन कंस्ट्रक्ट द ट्रू फाइलोजेनेटिक ट्री अनलेस वी इंक्लूड द डेटा फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स. तो मोलेक्युलर डेटा और मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स जो है उसकी इब्तिदा हुई इस, ये जो ग्रेट प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कार्ल रिचर्ड वूज, हु वाज सैडली डाइड 2012 व्हेन आई वाज ऑन जॉब. He was a professor at University of Illinois. He was the guy who, for the very first time, introduced the concept of molecular phylogenetic taxonomy back in 1977. He spent his whole life, more than 30 years, he spent working on establishing the molecular phylogenetics based on some very specific and interesting genes. He especially, for the very first time, proposed the idea of using ribosomal RNA genes फॉर दी फाइलोजेनेटिक्स. वो क्यों वजह थी, उसके क्या साइंसी रीज़न थे उसके पीछे, वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हमने इसको चूज़ किया है और किस क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी बुनियाद पर हम मार्कर को सिलेक्ट करते हैं. एंड ही वॉज द गाय हु वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ, द आर्किया. आपको पता है कि हम इससे पहले बस समझ रहे थे कि बस प्लांट्स और एनिमल्स ही हैं, या बाद में फिर हम पता चला कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता, खैर, एनीवे, ही टोल्ड अस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आर्किया इज अनदर डोमेन ऑफ लाइफ. मींस देयर आर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एंड आर्किया, जो ना प्रोकैरियोट्स हैं ना यूकैरियोट्स हैं. बाद में वे फाउंड के आर्किया आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द यूकैरियोट्स. जेनेटिक कोड आपने सुना है, जेनेटिक कोड के जो इस स्टार्ट में जो लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया उसमें भी इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. मैं आपको एक चैप्टर दूंगा लेटर, मेरे पास एक बुक है, मैंने रिसेंटली ख़रीदी है यूएसए से, तो उस बुक में एक चैप्टर है मोलेक्युलर फाइलोजेनेटिक्स पर, और वो प्रोफेसर कार्ल वूस ने खुद लिखा है. ठीक है, तो इमेजिन करें कि एक बंदा जिसने, यानी एग्जैक्टली द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने प्रोफेसर कार्ल से सीखे हैं. मैं उतना इफेक्टिव नहीं हूँगा क्योंकि मुझे कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं कुछ मेरे माइंड में, लेकिन कार्ल वूज जो हैं वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने वो खुद इन्वेंट की थी चीज़, तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता उस चीज़ को. तो चैप्टर रिटन बाय हिमसेल्फ मैं आपको सेंड करूंगा, तो आप उसको पढ़िएगा. आई लव्ड रीडिंग दैट चैप्टर, आई होप आपको भी अच्छा लगेगा. ओके, दैट वाज द इंट्रोडक्शन टू द मैन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस स्टोरी. ओके, अब पिछले चैप्टर्स में हम पिछले लेक्चर्स में हम बात करते रहे कि होमोलोगस सीक्वेंस ही हमने लेने होते हैं while we construct the phylogenetic tree, right? Molecular phylogenetics especially. तो इसमें जो homologous sequence है ना, इनके बारे में कुछ terms हैं जो बोली जाती हैं. एक term बोली जाती है, I mean कुछ papers में या कुछ books में आप देखेंगे तो आप confused ना हो, इसलिए मैंने ये information को थोड़ा extend किया आपके लिए. Orthologs, orthologs क्या होते हैं? ऐसे genes जिनका function common होता है और वो truly
जो हमने पीछे बात की थी कि जिनके अंदर ट्रूली जो इंसेस्टर से आए होते हैं, यानी इंसेस्टर होमोलॉजी होती है, जो ट्रू यानी होमोलॉगस सीक्वेंस की जो हमने डेफिनेशन दी थी वो क्या थी कि होमोलॉगस सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जो मैंने आपको समझाया था कि होमोलॉजी क्या है, एनोलॉजी क्या है, कन्वर्जेंस क्या है, पैरेललिज्म क्या है। तो होमोलॉगस सीक्वेंस वो होते हैं जो पिछले जो इंसेस्टर होता है उसके अंदर, मतलब वी फाइंड दैट इन द इमीडिएट इंसेस्टर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम होमोलॉगस सीक्वेंस कहते हैं, मीन्स क्लियर इंसेस्टर रिलेशनशिप। तो ऑर्थोलॉग्स जो जीन्स होते हैं ये वो जीन्स होते हैं जो ट्रूली होमोलॉगस होते हैं, राइट, होमोलॉगस, ट्रूली ट्रूली होमोलॉगस। इसकी एग्जांपल है हमारे पास जैसे बेटा हेमोग्लोबिन जीन ह्यूमन का और बेटा हेमोग्लोबिन जीन चिंपैंजी का, ये होमोलॉगस है। होमोलॉगस मीन्स हमारा और चिंपैंजी का जो इमीडिएट इंसेस्टर था उसमें ये जीन इवॉल्व हुआ था, उसके बाद हम दोनों ने अपने उस इंसेस्टर से लिया, यानी आगे नस्ल बाई नस्ल लाखों साल वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहा है और वो हम तक पहुंचा है, लेकिन असल में वो पहली बार हमारे इंसेस्टर जो हम दोनों का पीछे कॉमन इंसेस्टर है उसमें आया था, हेमोग्लोबिन जीन, बेटा हेमोग्लोबिन, राइट। अच्छा, पैरालॉग्स क्या है? पैरालॉग जो है वो जीन डुप्लीकेशन से होता है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि बेटा हेमोग्लोबिन जीन ह्यूमन के पास भी है और चिंपैंजी के पास भी है। अब देखें, अब चिंपैंजी और ह्यूमन सेपरेट हैं एंड वी डू नॉट इंटरब्रीड विद ईच अदर। अब एक जीन हमने अपने इंसेस्टर से लिया है, इस वक्त वो हमारे अंदर होमोलॉग है या ऑर्थोलॉग है। अब वो जीन हमारे अंदर भी है, चिंपैंजी के अंदर भी है। अब लेट्स से कि जो हमारे अंदर वो जीन है बेटा हेमोग्लोबिन, अगर उसकी हमारे जीनोम के ऊपर हो जाती है डुप्लीकेशन, अब वो डुप्लीकेशन होती है और फिर अगली उनके एक लाख साल तक जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो हमारी जनरेशन में रहता है, डुप्लीकेशन के दौरान अब वो दो डुप्लीकेट हो गया, मीन दो जीन्स बन गए। अब उन दो जीन्स के अंदर अपनी अपनी म्यूटेशन होगी, ए जो उसका डुप्लीकेट है और जो उसका बी डुप्लीकेट है, दोनों की म्यूटेशन अपनी होगी और उसमें एक्यूमुलेट होती जाएगी, अब वो दो जीन्स बन जाएंगे डिफरेंट। तो ऐसे जो जीन डुप्लीकेशन से जीन्स पैदा होते हैं हम उन कहते हैं ये पैरालॉग्स हैं। अब वंस दे आर क्रिएटेड थ्रू डुप्लीकेशन, आफ्टर दैट दे इवॉल्व एंड दैट जो एवोल्यूशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। यानी ऐसा नहीं कि जो डुप्लीकेट हुआ है तो अगर एक में जो म्यूटेशन आएगी तो दूसरे में भी वही आएगी, वो भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है, लेकिन इंडिपेंडेंट भी होंगे। इसकी एग्जांपल हमारे पास है बेटा हेमोग्लोबिन जीन ऑफ ह्यूमन एंड डेल्टा हेमोग्लोबिन जीन ऑफ चिंपैंजी। मींस के डेल्टा हेमोग्लोबिन जीन जो है चिंपैंजी के अंदर वो जीन डुप्लीकेशन के नतीजे में पैदा हुआ है उनके अंदर, ठीक है, यानी कि वो सेपरेट है और वो बेटा हेमोग्लोबिन जीन की डुप्लीकेशन से ही पैदा हुआ है, लेकिन अब वो उनके अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। तो वो अब जो यानी कि डेल्टा हेमोग्लोबिन जीन चिंपैंजी के अंदर पैदा हुआ है जीन डुप्लीकेशन से, और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे बेटा हेमोग्लोबिन जीन ह्यूमन से, तो ये एक दूसरे के पैरालॉग्स कहलाएंगे। पैरालॉग्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि बेटा हेमोग्लोबिन जीन की डुप्लीकेशन से ही डेल्टा हेमोग्लोबिन पैदा हुआ, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसके सीक्वेंस के अंदर म्यूटेशन आके वो डिफरेंट होता चला गया। तो दीज आर पैरालॉग्स, स्टिल दे आर होमोलॉग्स, स्टिल दे शेयर द इंसेस्टर होमोलॉजी, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट हैज हैपेंड इन देम, सो दीज आर कॉल्ड पैरालॉग्स। एक तीसरी किस्म का है सीन है, उसको हम कहते हैं ज़ीनोलॉग्स। ज़ीनोलॉग्स क्या हैं? ये लेटरल जीन ट्रांसफ़र से होते हैं। लेटरल जीन ट्रांसफ़र की एग्जांपल मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल, आजकल आपने देखा कि कोरोना वायरस आया हुआ है हमारे अंदर, अब तो खैर जा रहा है वापस, तो कहीं छुप गया होगा। तो अब जो इमेजिन के दिस वायरस इन्फेक्ट्स, जैसे हम सुनते हैं कि बैट से या दूसरे, तो अगर बैट से इन्फेक्शन के दौरान, इन्फेक्शन मीन्स बैट्स में उसने रेप्लिकेट किया होगा, तो रेप्लिकेशन के दौरान अगर बैट्स के जीनोम से कोई सीक्वेंस डीएनए कॉपी होके या कट होके या किसी भी तरह होमोलॉगस रिकम्बिनेशन के नतीजे में वायरल के जीनोम में आ जाता है, और उसके बाद वायरस आ गया ह्यूमन में, अब 100 ईयर्स जो है ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, 200 ईयर्स फॉर एग्जांपल, और उस दौरान वो वाला कंपोनेंट जो है बैट वाला, वो उस वायरस से किसी तरह होमोलॉगस रिकम्बिनेशन से या कट पेस्ट कुछ भी होके वो हमारे जीनोम पे लग जाता है, तो इसे हम कहते हैं लेटरल जीन ट्रांसफ़र। मीन्स हमने और जो बैट्स हैं हमने कभी रिप्रोडक्टिव नहीं रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी वो जीन हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो गया थ्रू लेटरल मीन्स, यानी हॉरिजेंटल, जो ऑफ बड़ों से निचले की तरफ जाता है उसको हम हॉरिजेंटल कहते हैं, जो साइड ऐसे ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं लेटरल जीन ट्रांसफ़र। अच्छा, ये जो डिफरेंट हमने देखे ऑर्थोलॉग्स पैरालॉग्स ज़ीनोलॉग्स, इसको आई होप कि आपको समय लग गई होगी। इफ़ स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो यू कैन सेंड मी अ वॉइस मैसेज ऑन व्हाट्सएप, नो प्रॉब्लम। अब ये वो बेस है जिसकी बुनियाद पर सारी फाइलोजनी होती है, ठीक है। तो इनकी हर जगह पे डिफरेंट जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट तरह के सिनेरियोज़ में इनकी एप्लीकेशंस हैं।
That's a very long story. We will study that in detail in the course in the next semester. I previously mentioned phylogenetic analysis, sequence alignment and phylogenetic analysis in fifth semester. अच्छा अब हम आते हैं जो हमने बात की राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंस. तो सबसे पहले जरा ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखें. राइबोसोम क्या है? आई थिंक सबको पता है आपको कि राइबोसोम्स जो हैं दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल. बहुत बड़ी तादाद में सेल में मौजूद होते हैं. आपने सेल बायोलॉजी के कोर्स में पीछे पढ़े होगा कि दो किस्म के राइबोसोम्स होते हैं. एक वो जो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं सेल के अंदर और एक वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं. तो यूजुअली होता ऐसे है, जस्ट टू रिमाइंड यू, एक्चुअली ये जो मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर आपको ये वाकई याद आ गया, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वाई वी यूज राइबोसोम्स, राइबोसोमल आरएनए एज ए मार्कर जीन फॉर द फाइलोजेनेटिक एनालिसिस. तो लेट मी रिमाइंड यू कि न्यूक्लियस में जब कोई भी एमआरएनए सिंथेसाइज होता है, फिर वो एमआरएनए आ जाता है यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस में बनने के बाद वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है. व्हेन इट कम्स टू द साइटोप्लाज्म, खैर उसके पीछे उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, लेकिन हमें उसकी इस वक्त बात करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब फाइनली जब शॉर्ट एमआरएनए बन के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, तो पहली चीज़ ही होती है कि वहाँ पर आते ही स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम का, वो उस आरएनए को अटैच होता है. उसके बाद लार्जेस्ट सब यूनिट अटैच होता है एंड दे सिंथेसाइज प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द मैसेज प्रेजेंट इन दैट मैसेंजर आरएनए. ओके, अब देखें, अगेन मैं कोरोना वायरस की एग्जांपल दूंगा. अब कोरोना वायरस मान लीजिए रेप्लिकेट हो रहा है. क्यों रेप्लिकेट हो रहा है भला? इट इज सिंथेसाइजिंग ऑल द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, ऑल द रिक्वायर्ड वायरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, रेप्लिकेशन वाले प्रोटीन्स. वो सभी प्रोटीन जो वायरस के रेलिवेंट हैं वो बना रहा है. कहाँ बना रहा है? हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर, जिसकी वजह से हमारे वो सेल अपना काम नहीं कर पाते. ठीक है, और चूंकि इट इज़ इन्फेक्टिंग दी लंग्स, तो फिर वो लंग्स के सेल्स अपना काम नहीं कर पाते और फिर हमें सांस नहीं आती. तो अब इसी तरह जो लीवर के हेपेटाइटिस जो है वो लीवर के सेल्स को डैमेज करते हैं बिकॉज दे आई मीन मल्टीप्लाई वेरी क्विकली इन देयर. अब देखें, वायरल जीन है जो, उसका जो एमआरएनए है, जब वो सिंथेसाइज होता है एमआरएनए वायरस जीन का, वायरल जीन का, तो हमारा राइबोसोम, वायरस का अपना राइबोसोम तो नहीं है, तो वायरस अपने प्रोटीन तो नहीं बना सकता. तो जब वो जीन हमारे पास एमआरएनए बन के आता है, तो हमारा राइबोसोम, जिसका पर्पज़ हमारे सेलुलर प्रोटीन बनाना है, वो वायरल के प्रोटीन बनाना शुरू करता है. क्यों बनाता है वायरस के प्रोटीन्स? वो इसलिए बनाता है कि एक्चुअली वो जो एमआरएनए बनता है, उस एमआरएनए के स्टार्ट में एक खास सीक्वेंस होता है जिसको हम राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहते हैं. वो सीक्वेंस अगर होगा राइबोसोम का मॉलिक्यूल, स्मॉलर सब यूनिट हमेशा पहले अटैच होता है. आप यूँ समझ लीजिए कि वो जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, उसके जो रिकग्निशन साइट है राइबोसोम में, वो स्मॉलर सब यूनिट में है. ठीक है, अब स्मॉलर सब यूनिट जो है, जो 40S होता है यूकैरियोटिक केस में और 30S होता है राइबोसोम प्रोकैरियोटिक केस में, वो स्मॉलर सब यूनिट पहले उसको अटैच होता है. दोनों केसेस में अटैच होने के बाद, उसके बाद जो है वो ट्रांसफर आरएनए अटैच होता है. पहला जो एटीजी होता है सीक्वेंस, उसका मिथाइलिन अमाइनो एसिड लिए चार्ज होता है. उसके बाद लार्जर सब यूनिट लगता है और फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है. अब यहाँ पर हमारे लिए एक सीखने की चीज़ है, जैसे वायरस का जीन हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो राइबोसोम है वो किसी भी मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई करता है, वो सिर्फ हमारे मैसेंजर आरएनए को आइडेंटिफाई नहीं करता. तो दैट इज़ द रीज़न कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को, प्लांट जीन हो, फंगल जीन हो, बैक्टीरिया, प्लांट किंगडम प्लांटी से है, फंगस किंगडम फंजाई से है, मोनरा किंगडम बैक्टीरिया और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है, किसी भी, ऑल किंगडम, ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ, आर्किया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, इन तीनों से ही यूजुअली जो जीन होता है, हम एक जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर क्लोन कर लें और उस जीन का एमआरएनए उसमें बन जाए, तो उस एमआरएनए को वो उसी सिस्टम का, यानी हमारा जीन प्लांट में, प्लांट का हम में, वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा. उसके बाद वो प्रोटीन फंक्शनल होता है या नहीं होता, वो बात की बात है. उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग और फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. लेकिन यहाँ पर जो गौरतलब बात है वो ये कि एमआरएनए को आइडेंटिफाई राइबोसोम करता ही करता है. इसकी क्या वजह भला? इसकी वजह यह है कि हर जीन के स्टार्ट में वो सीक्वेंस है और इससे हमें एक और मैसेज मिलता है. वो क्या है कि राइबोसोम्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेम है, इसलिए तो वो किसी भी एमआरएनए को
जो उसकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वो सेम है, इसलिए तो राइबोसोम आरएनए उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उससे अटैच हो जाता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस मीन्स दैट राइबोसोमल आरएनए आर द काइंड ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल लाइफ एंड वी हैव गेन्ड दीज जीन्स फ्रॉम द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन इंसेस्टर। मीन्स द राइबोसोमल आरएनए जीन्स वर इवॉल्व्ड इन द फर्स्ट सेल ऑन अर्थ, जिसके पहला सेल जिसमें राइबोसोम्स थे प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए उसमें ये बन गए थे, उसी वक्त ये सीक्वेंस बन गए थे और तब से अब तक ये चल रहे हैं। वेरी गुड, अभी मैंने बात की तब से अब तक चल रहे हैं, इट मीन्स दे आर सुपर कंजर्व्ड, दे आर कंजर्व्ड फ्रॉम दैट डे टू डे, आज तक वो कंजर्व है, वो चेंज नहीं हुए। इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट है, अगर उनके अंदर कोई म्यूटेशन आती है अगर किसी सेल के अंदर तो फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता होगा। अभी आप अभी देख लें, अगर आपके जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट का जो सीक्वेंस है अगर उसमें म्यूटेशन आ जाती है कोई और वो एमआरएनए आता है तो हमारा राइबोसोम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, मींस उसका प्रोटीन नहीं बनेगा। तो जब वो प्रोटीन नहीं बनेगा वो सेल अपना काम ही नहीं कर पाएगा और वो सेल मर जाएगा या अपना कोई फंक्शन खो देगा, एक डिस्कार्ड हो जाएगा वो सेल। इट मीन्स के सेल के लिए ये ज़रूरी है कि उसके राइबोसोमल यानी जो उसका मैसेंजर आरएनए में राइबोसोम बाइंडिंग साइट है उसके अंदर म्यूटेशन ना आए, ताकि उसका जो टारगेट राइबोसोम है वो उसको आइडेंटिफाई करे और उस जीन का प्रोटीन बने। प्रोटीन बनेगा तो सेल के फंक्शन नॉर्मल चलेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? तो इसलिए राइबोसोम्स जो हैं वो बड़े स्पेशल हैं। अच्छा, अब राइबोसोम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम के अंदर दो चीज़ें हैं, एक राइबोसोमल आरएनएस और दूसरा राइबोसोमल प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, इन दोनों के दो सब यूनिट्स हैं, स्मॉलर और लार्जर। जो नीचे 40S देख रहे हैं 30S, ये स्मॉलर सब यूनिट हम इसको कहते हैं, जो ऊपर वाला है हम उसको लार्जर सब यूनिट कहते हैं, विच इज़ 50S इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड 60S इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। अब वो जो 60S राइबोसोमल सब यूनिट है यूकैरियोट्स का, उसमें तीन राइबोसोमल आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं 28S आरएनए और 5.8S और 5S आरएनए। ये जो 5.8S होता है ना, एक्चुअली ये 28S से ही क्लीव होके सेपरेट हो जाता है, यानी ये इसी का कंपोनेंट है। जब पहले यानी 28S बनता है, फिर उसमें से 5A.8S अलहदा हो जाता है, पीछे रह जाता है। प्रोकैरियोट्स में 23S होता है 28S की बजाय, हाँ इसका कंपोनेंट ही होता है। खैर, इस वक्त मेरी एग्जैक्ट प्रोसेसिंग इसकी मेरे माइंड में नहीं है। ओके, तो जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके अंदर एक ही राइबोसोमल आरएनए का मॉलिक्यूल होता है, जो कि यूकैरियोट्स में 18S होता है और प्रोकैरियोट्स में 16S होता है। तो ये जो 6S है, आपको पता है स्वेडबर्ग्स कांस्टेंट है, ये वो सेंट्रीफ्यूगेशन स्पीड होती है जिस पर हम किसी मॉलिक्यूल को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए से सेपरेट करते हैं। तो ये वो स्पीड है। तो अगर हायर स्पीड होगी तो उसका मतलब है उस मॉलिक्यूल का साइज़ बड़ा है, अगर लो स्पीड होगी तो उसका मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा है, ठीक है? यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 70S जो है राइबोसोमल सब यूनिट्स, इट इज़ लिटल स्मॉलर एज कम्पेयर टू द 80S। तो ओके, तो अब प्रोकैरियोट्स में 5S होता है एक लार्जर सब यूनिट में और एक 23S होता है। तो ये सारे स्मॉलर। तो अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये कहाँ से आते हैं? ऑफकोर्स इनका पीछे जीनोम के ऊपर, सेल की जीनोम पर डीएनए है, उस डीएनए से ही ये ट्रांसक्राइब होके आते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसक्राइब होके आते हैं इनका फिर कभी प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है? ये ऐसे ही होते हैं और पीछे इनके जो हमने आपको बताया था पीछे मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए होता है सेल के जीनोम के ऊपर, तो मॉडरेटली रिपीटेड डीएनए से ये ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कॉपीज चेक होकर सेल में हज़ारों कॉपीज़ होती हैं राइबोसोम्स की, तो इसलिए उसको बनाने के लिए बहुत क्विकली राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन सही होते हैं। तो उसके जीन के पीछे एक कॉपी नहीं होती बल्कि उसकी, फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी जीन की कॉपीज़ हमारे जीनोम के ऊपर तकरीबन 1300 कॉपीज़ हैं उसकी, तो वो सब किसे जल्दी से बन रहा होता है, ठीक है? तो दैट वाज अबाउट द राइबोसोम्स। तो मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि क्यों राइबोसोम्स इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज दे हैव समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ। अच्छा, अब देखें, जो स्टार्ट में मैंने बात की थी कि नॉट जस्ट एनी जीन, कोई भी जीन नहीं होता जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए। वो जो जीन जिसको हम सेलेक्ट करते हैं फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए, उसकी कुछ फीचर्स हैं जो यहाँ पर हम डिस्कस करना चाहते हैं। पहला उसका फीचर ये है कि दिस जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ऑल से हमारी मुराद ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कंपेयर करने जा रहे हैं। अब हम इनिशियली तो हम कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल के हमारे पास अगर मैमल्स हैं, अगर जैसे हम चिंपैंजी और एंगुटान और गोरिल्ला ह्यूमन को कंपेयर करते हैं, तो हम इनको कंपेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि पता चले हमसे कौन किसके को रिलेटेड है, किसका पीछे। तो जब हम
और पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनका और उनका एंसेस्टर पीछे कौन था, फिर उसका पीछे एंसेस्टर कौन था, फिर उसका पीछे एंसेस्टर कौन था, तो ऐसे पीछे। तो फाइनली एवोल्यूशनरी जो ट्री ऑफ लाइफ है वो तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक हम अर्थ पर मौजूद तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तभी हमें पता चलेगा ना यूनिवर्सली कि ओरिजिन कहाँ से हुआ और फिर आगे से आगे कैसे होता चला गया सारा। तो इसलिए इनिशियली तो जिनको हमने कंपेयर कर रहे हैं उनका, लेकिन चूंकि हमने ट्री ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्री ऑफ लाइफ बनाना चाहते हैं, तो इसलिए फिर सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन मौजूद होगा वही ज़ाहिर यूज़ किया जा सकता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसी है कि दो किस्म के जहाज़ होते हैं, वैसे कई किस्म के होते हैं लेकिन मैं दो की बात करना चाहता हूँ, एक जिसको हम शिप कहते हैं और एक को हम एरोप्लेन कहते हैं। तो बोथ आर आई मीन दे हैव मैनी सिमिलैरिटीज़ के दोनों ही इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, और दोनों ही सवारियों को भी पैसेंजर्स को भी ले जाने जाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन दोनों की ये खूबियाँ हैं और दोनों की अपनी अपनी खामियाँ हैं। मिसाल के तौर पर शिप पर बहुत बड़ा सामान ले जाया जा सकता है, एरोप्लेन पर उतना नहीं ले जाया जा सकता। एरोप्लेन फास्टर है, वो थोड़ा स्लोर है मतलब, लेकिन स्टिल आई मीन इनके अंदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं, बिल्कुल वैसे जैसे पौधों में और इंसानों में बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं। बहुत सारे हमारे सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की एक जैसी है, लेकिन स्टिल हम इनको आपस में नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर जब आप स्पेसिफिक होंगे तो इंजन की जब बात होगी तो आप शिप के इंजन को एरोप्लेन के इंजन से उसके विंग्स को, उसके विंग्स हैं ही नहीं तो उसकी जो एमरजेंसी सिचुएशन है शिप की अगर आती है तो वो और होगी, एरोप्लेन की आती है तो वो और होगी, उसकी लैंडिंग और उसकी एंकरेज डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट, तो हम उनको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे आपस में अच्छे से। ठीक है, तो इट वुड मेक सेंस कि इफ वी कंपेयर दी बोइंग विद एयरबस राइट एंड वन काइंड ऑफ शिप विद अनदर काइंड ऑफ शिप और बिगर और स्मॉलर बोट, तो दैट मेक सेंस। ओके, तो दूसरी चीज़ जो हमारे है वो ये कि जीन्स जो हैं वो लेटरल ट्रांसफर से आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बात की पहले जीनोलॉग जिसको हम कहते हैं कि जीन, ऐसा जीन जो लेटरल ट्रा जैसे वायरस के थ्रू एक से दूसरे में जा सकता है, तो वो डिसेंडेंट की जो लाइन है तो उसमें है ही नहीं, तो उसको वो नहीं होना चाहिए। हम ऐसा जीन चूज नहीं कर सकते जो लेटरल जीन ट्रांसफर से एक स्पीशी में आया हो दूसरे में, बेशक जाहिर है वो दूसरे के इंसेस्टर से इसमें आया होगा लेकिन वो इसके इंसेस्टर तो नहीं है जिससे लेटरल जीन, जैसे अगर हम बैट से हमें कोई आ जाता है तो वो जीन हमारे अंदर बैट से आ गया है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बैट हमारे इंसेस्टर है। ठीक है, बैट ने तो अपने इंसेस्टर से लिया है। अगर हमसे कोई जीन लेटरल जो कॉमन हमारे पैथोजेंस हैं उसके थ्रू हमसे उसमें चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस जीन की बुनियाद पर हम कहें कि चूंकि ये जीन 100% ह्यूमन में भी है और बैट में भी है तो इसका मतलब है कि बैट्स ह्यूमन के इंसेस्टर हैं, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। अगर हम ऐसा उस जीन की बुनियाद पर, अगर हम उस जीन की बुनियाद पर कहेंगे तो ऐसे लग रहा होगा कि ये तो इंसेस्टर है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था भी ये तो जीनोलॉग है, ये तो लेटरल जीन ट्रांसफर से आया, तो एक तो इस कंडीशन का हमने ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि उस जीन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरली कंजर्व्ड रीजन होने चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अलाइनमेंट के लिए कंजर्व रीजन वो पॉइंट्स हैं जो हमें होमोलॉजी की तरफ लेके जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि दे हैव इंसेस्टर रिलेशनशिप। जैसे अभी हमने बात की राइबोसोम्स की कि उनके अंदर वो कंजर्व रीजन है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, तो वो कंजर्व रीजन ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा सीक्वेंस है जो एक छोटे से बैक्टीरियम में भी वही है, दुनिया के हर यानी कि मिलियंस ऑफ एनिमल स्पीशीज और मिलियंस ऑफ माइक्रोबियल स्पीशीज, मिलियंस ऑफ प्लांट स्पीशीज, उन सब के अंदर वो सीक्वेंस सेम है और कंजर्व है एक जैसा, ये कैसे हो सकता है? देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, देयर इंसेस्टर वाज सेम, दैट वाज द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन इंसेस्टर। ठीक है, तो इंसेस्ट्रल से वो आ रहा है तो वो कंजर्व होना दो। तो जितनी ज़्यादा कंजर्व सीक्वेंस, ऑफ कोर्स उसके अंदर वेरिएबल रीजन्स भी होंगे लेकिन वी नीड सम कंजर्व रीजन्स टू परफॉर्म अ क्वालिटी अलाइनमेंट। ठीक है, अब ये जो फीचर्स हैं हम ज़रा देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए के अंदर ये फीचर्स हैं कि नहीं, ज़रा गौर फरमाइए। मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया भी है। राइबोसोमल आरएनए की पहली तो बात ये कि जैसे कि राइबोसोमल आरएनए की हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो जब हम सीक्वेंस यूज़ करते हैं तो फाइलोजेनेटिक करने के लिए तो हम राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस यूज़ नहीं करते, उसका पीछे राइबोसोमल डीएनए है, मींस वो डीएनए जिससे ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, तो हम उनका सीक्वेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये कभी प्रोटीन्स नहीं बनते, यानी इनके कंजर्व रहने की एक वजह ये भी है कि इनके कोई प्रोटीन्स नहीं है, दे आर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू एनी प्रोटीन। दूसरी बात, राइबोसोमल आरएनए के जो जीन्स हैं जो पीछे राइबोसोमल आरएनए हैं
वो मोस्ट दी मोस्ट कंजर्व्ड डीएनए सीक्वेंस हैं सभी लाइफ के अंदर, मैं अभी आपको बता रहा था। अच्छा, कंजर्व हैं लेकिन कुछ पोर्शंस उनके ऐसे हैं जो मतलब डिस्टेंटली रिलेटेड, जैसे मैंने बात की बैक्टीरिया और प्लांट्स और एनिमल्स, वी आर डिस्टेंटली रिलेटेड, तो हमारे वो जो सीक्वेंसेस हैं वो कंजर्व हैं, लेकिन कुछ पोर्शन उसके ऐसे हैं जो हाइपर वेरिएबल हैं। यानी कंजर्व होना हमें अलाइनमेंट करने में हेल्प करता है, और हाइपर वेरिएबल होना, हाइपर वेरिएबल मीन्स कि वो वेरी करते हैं फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर। एक स्पीशी के मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी स्पीशीज हैं उन सब स्पीशीज़ के अंदर राइबोसोमल आरएनए जो जीन है, फॉर एग्जांपल अगर आप 16S की बात करें, 16S प्रोकैरियोट्स के अंदर है, तो उस 16S के अंदर कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं, यूजुअली वो 5' और 3' एंड पर वो सीक्वेंस हैं उस जीन के। अगर मैं 16S की स्पेसिफिकली बात करूं तो जो 16S है वो 1500 बेस पेयर का एक जीन है, उस जीन के स्टार्ट में 5' एंड और 3' एंड के ऊपर सीक्वेंस कंजर्व हैं। तो वो कंजर्व इन कंजर्व मीन्स सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो ऑलमोस्ट सेम है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, एक तो हम एक यूनिवर्सल प्राइमर पेयर बना लिया, उससे हम उन सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर सकते हैं, एम्पलीफाई करके सीक्वेंस कर सकते हैं। जब सीक्वेंस होकर हमारे पास आ जाता है तो हम फिर उसको अलाइनमेंट जब करेंगे तो हमें अलाइनमेंट का एक पॉइंट होता है जहाँ से वो शुरू होना है। तो कंजर्व सीक्वेंस की बुनियाद पर अलाइनमेंट होती है, तो उसके बाद जो वेरिएबल रीजन्स होंगे वो भी हम पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से इनकी पॉइंट म्यूटेशन या कहाँ कहाँ से इनकी चेंजेस हुई हैं। अगर वहाँ पर कोई इंसर्शन या डिलीशन होंगी तो वो जाहिर है हम फिर रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो वो हाइपर वेरिएबल की बुनियाद पर वो जो म्यूटेशन है, जो वेरिएशंस हैं, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी उसकी बुनियाद पर ही तो पता चलेगा ना कि जिसकी कम वेरिएशंस होंगी इट मींस वो क्लोजली रिलेटेड है, जिनकी वेरिएशन ज़्यादा होगी इसका मतलब है वो उतना एक दूसरे से दूर होता चला जाएगा। लेकिन कंजर्व रीजन्स के बगैर मल्टीपल अलाइनमेंट नहीं हो सकती, ठीक है। मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा कि क्यों नहीं हो सकती। तो बेस्ड ऑन दीज क्वालिटीज जो हमने बात की, राइबोसोमल आरएनए जीन सीक्वेंसेस आर दी मोस्ट सुटेबल जीन सीक्वेंसेस टू कंस्ट्रक्ट द यूनिवर्सल फाइलोजेनेटिक ट्री, ठीक है। इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा रिसेंट ईयर्स में इनको अप्लाई किया गया है, राइबोसोमल आरएनए को। ये डिफरेंट किस्म के हैं, जो स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं उनको हम भी यूज़ करते हैं, लार्जर को भी यूज़ करते हैं। हम आगे जाके इनको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारा लेक्चर का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो यू कैन सेंड मी थ्रू व्हाट्सएप, there should not be a problem. We would love to discuss the things for you. Okay, best wishes.